नमस्कार जी, कैसे आप सब लोग। मैं संजना चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संजना का अंगना में। दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ी सी ये दुखी है आज। हाँ, आपने सही पहचाना, आज मैं बहुत दुखी हूँ। पता है, मेरा फोन चोरी हो गया। मुझे फोन की ना इतना वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था फोन में कि भाई मुझे फोन लेना है। लेकिन जब से मैंने ये सोचा कि मैं आपसे जुड़ूं, अपना YouTube चैनल स्टार्ट करूं, आपसे बातें करूं, तो ही मैंने फ़ोन लिया था कि चलो आपसे बातें करा करेंगे। और आज नहीं, 3 दिन हो गए, 3 दिन पहले मेरा फ़ोन चोरी हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा अपने फ़ोन का। और मैंने, पता है, मार्केट गई थी। हमारी नंद की बेटी की शादी है और जेठ की बेटी की सगाई थी कल, तो उसकी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी हमें, तो मैं मार्केट गई थी। तो मार्केट में हमने सारा ही शॉपिंग कर ली थी, सामान भी ले लिया था। और मैंने ना अपना फ़ोन, जो अपने छोटा पर्स होता है, हैंड पर्स होता है, उसमें रख रखा था। तो मेरे हाथ दुख गए, मैंने सोचा कि चलो इसमें रख लेते हैं, अपने पॉली बैग में। मैंने जैसे ही उसको उसमें रखा, तुरंत ही वो निकाल लिया उसमें से, और अभी तक नहीं मिला मेरा फ़ोन। मुझे बहुत दुख हो रहा, बहुत परेशानी हो रही है। 3 दिन से पता है कितना दुखी हुई हूँ मैं, और मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा ये कि ऐसे कैसे चोरी कर लेते हैं, बताओ आप। ऐसे चोरी करने से कैसे किसी का भला हो सकता है? कितने दिन तक वो उसका एंजॉय कर सकते हैं? कितने दिन तक वो उसको रख सकते हैं? चाहे फ़ोन हो, चाहे पर्स हो, चाहे चैन हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब जैसे कुछ भी सामान चोरी हो सकता है। किसी का कुछ चोरी हो रहा है, किसी की चैन गले से निकाल लेते हैं, कानों के छीन लेते हैं। ऐसे लोग, मतलब कब तक इस तरह से अपना, मतलब कि चोरी करके किसी का दिल दुखा के, किसी का सामान लेके अपना गुजारा कर सकते हैं? ये कुछ टाइम का होता है ना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से कमाओ, खाओ। ऐसे थोड़े होता है कि भाई देखो, हर दुनिया में हर किस तरह के इंसान होते हैं। कोई, मतलब ऐसा भी है, तो होते हैं जिनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ को चुराने से या किसी चीज़ को छीनने से। कोई बात नहीं, उनके लिए कोई बात नहीं होती है ये, मतलब जैसे फिर ले लेंगे या फिर और ले लेंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से कि भाई हमने पता नहीं किस तरह से लिया वो, और फिर उसने छीन लिया या चोरी कर लिया। तो उन लोगों की परेशानी थोड़ी सी देखनी चाहिए कि भाई वो भी बहुत परेशान है, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने लिया होगा, क्या सोच के आपने उनका छीन लिया या चोरी कर लिया। तो ये सब चीज़ ना बहुत सोचने वाली है उन लोगों के लिए जो ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का दिल दुखा के, किसी को दुख देकर अगर हम इंजॉय कर रहे हैं, तो वो इंजॉय नहीं लगता। सब बस कुछ नहीं कहा जाता इस बारे में, लेकिन मुझे तो दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी 3 दिन से, फिर मैंने सोचा कि चलो आज आपसे बात करती हूँ। थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा शेयरिंग हो जाती है तो मन हल्का हो जाता है, तो फिर मैंने सोचा चलो आपसे बात करती हूँ कि भाई मेरा फ़ोन चोरी हो गया। और फिर ये देखिए आप कि फ़ोन चोरी हो गया, पर्स ले लिया था, निकाल लिया था मेरा, तो पर्स में से फ़ोन निकाल के, पैसे निकाल के पर्स वहीं फेंक दिया। तो पर्स में मैं, अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ शादी है, तो मैंने अपने ब्लाउज दे रखा था टेलर के यहाँ, तो टेलर की पर्ची थी पर्स में, 2-3 कागज़ और थे मेरे। तो जो वो पर्स में टेलर की पर्ची थी, जिसको वो पर्स मिला, उन लोगों ने उस टेलर के पास फ़ोन किया कि आपका पर्स यहाँ पे है, अगर आपको चाहिए, उसमें आपके कागज़ है 2-4, तो आप ले लीजिए। तो वो हमारे ही पास में एक के यहाँ, फिर हम टेलर के यहाँ गए अपना ब्लाउज लेने के लिए, तो वहाँ उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पर्स के लिए फ़ोन आया। तो मन में एक उम्मीद की किरण सी जगी थी कि पर्स मिल रहा था, शायद पर्स के अंदर मेरा फ़ोन था तो वो मिल जाएगा। लेकिन जब हम उनके यहाँ गए, तो बस उन्होंने बताया कि बस खाली पर्स ही था, उसमें फ़ोन या पैसे नहीं थे। पैसों की कोई वो नहीं है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, 1,000, 2,000, 3,000,
अगर पैसे चले भी जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे फोन का ना बहुत तो दुख हो रहा है। मुझे फोन मतलब बहुत उससे लिया था, मैंने चाह के लिया था कि चलो आपसे जुड़ूंगी, और ये सब कहते थे फोन ले लो, लेकिन मैंने कभी नहीं लिया, मुझे अच्छा नहीं लगता था मतलब। लेकिन अगर लिया, जब लिया तो आपसे जुड़ने के लिए लिया, और फिर वो चोरी हो गया, तो अब मुझे बहुत दुख हो रहा है उस चीज़ का। अब वैसे तो इन्होंने दूसरा दिलाने के लिए बोल दिया है कि चलो दिलवा देते हैं, ले लो फोन, फोन की तो क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज़रूरत है, और मुझे तो आपसे बात करना अच्छा लगता है, तो फोन की तो ज़रूरत है ही, तो फोन के लिए अप्लाई भी कर दिया है, 2-4 दिन में आ भी जाएगा। लेकिन मुझे तो वही फोन अच्छा लगता था। तो आ जाएगा दूसरा, ले लेंगे दूसरा। लेकिन एक ये रहता है कि चोरी हो गया, छीन लिया, वो चीज़ बहुत मन में खटक रही है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। जो लोग ऐसा काम करते हैं, प्लीज सोच सोचिए आप कि नहीं होना चाहिए ना ऐसा। और बस यही मैं आपको बताना चाहती थी, और सब चल रहा है ऐसे ही। और आप बताइए, सब अच्छे ठीक ठाक? बताया आपको, ये वीडियो भी मैं शेखर के फोन से बना रही हूँ, क्योंकि मेरा तो चला गया। बहुत ही मतलब 3 दिन से सर में इतना दर्द हो रहा है अपने फोन को लेके, बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे ना जो मेरा पहला फोन था, जो मैं इस फोन से पहला फोन था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो भी मैंने आज तक अपने पास संभाल के रखा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। सब बच्चे कहते थे कि आप बड़ा फोन ले लो, ये कर लो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है। खूब कहा राशि ने, उसके पापा ने, शेखर ने भी कि नया फोन ले लो, लेकिन मैंने कभी मतलब मुझे वही अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उसको ही रखा। लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे वीडियो बनानी है, तो फिर मैंने वो फोन लिया। और जब मैंने वो फोन लिया तो मुझे उससे भी इतना लगाव हो गया, इतना अच्छा लगता था वो, कि अब उसके बिना ना एकदम अलग से ही लगता है, कि अच्छा नहीं लगता। वो फोन मेरा चोरी हो गया, कुछ नहीं बता सकती मैं आपको, मुझे कितनी परेशानी और कितना दुख हो रहा है उसका। लेकिन ठीक है, चुराने वालों ने जो चुराया ठीक है, वो भी खुश हो लेंगे कुछ दिन के लिए। ये फोन मेरा, मैंने यानी कि 1 साल ही हुआ है, 1 साल ही हुआ है मुझे अपना चैनल स्टार्ट करे हुए, तो तब लिया था मैंने। और 1 महीने पहले मैंने उसकी डिस्प्ले चेंज करवाई थी, क्योंकि वो बच्चों ने गिरा के उसका वो खराब कर दिया था, तो काफ़ी अच्छा था वो, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे मतलब एक होता है ना अपनी चीज़ से एक बहुत ज़्यादा लगाव सा, यानी कि एक तो अच्छा ही होता है ना, एक होता है कि उसके थ्रू मैं आपसे जुड़ी, या फिर उसके थ्रू मैं बहुत सारा मतलब सारे दिन जो अपना मेरा काम है वो करती थी, आपसे बातें करती थी, आप वीडियो बनाती थी अपनी, तो हो जाता एक लगाव सा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था वो। लेकिन अब चला गया तो चला गया, क्या कर सकते हैं, है ना। तो बस मैं आपसे यही बताना चाहती थी कि मेरा फोन चोरी हो गया है, ऐसा ना हो किसी के साथ भी जैसा मेरे साथ हुआ, किसी का कुछ भी चोरी ना हो, ना फोन, ना पर्स, ना चैन, ना कुछ, सब बस कमाओ खाओ अपना मौज करो, ऐसा होना चाहिए, है ना। चोरी करने से किसी का कुछ गुजारा नहीं होता है, बस थोड़े से दिन के लिए वो खुश हो जाता है कि हाँ मैंने फोन चोरी कर लिया, या मैंने पर्स चोरी कर लिया, या मैंने ये चोरी कर लिया, इन चीजों से तो कुछ गुजारा नहीं होता। लेकिन होती है सबकी अपनी अपनी सोचने समझने की शक्ति, कि भाई हमें ये चोरी करने से हमारा अच्छा ये चलेगा, ये है, ये हमारा काम है। अरे चोरी करने के अलावा कुछ अच्छा करो, है ना। तो बस ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे एक दूसरी वीडियो में, जब तक मेरा फोन भी आ जाएगा तो मैं आपको अपना नया फोन भी दिखाऊंगी, कि मैंने अभी नहीं आया है, बुक करवा दिया है, तो देखते हैं कब आएगा, 2-4 दिन में, तो तभी बनाऊंगी मैं दूसरी वीडियो, तभी आपको दिखाऊंगी। तो ठीक है, चलिए अब बस इतना ही आज की इस वीडियो में, बाय।